जय हिंद दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियोज के साथ। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में नोट्स बुक कैसे बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, किसी भी प्रकार का नोट्स बुक कैसे बनाया जाता है। और हम यहाँ बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बनाने वाले हैं एमएस वर्ड में। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस जी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने पेज की जो साइज़ है, पेज लेआउट से जाके A4 साइज़ पर रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, जिस प्रकार का चाहिए। मैंने A4 साइज रजिस्टर्ड वाली ली है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट पर आएँगे। इंसर्ट में आने के बाद हमको सेप्स का ऑप्शंस मिल जाएगा, जिसमें से मैंने रेक्टेंगल यूज़ किया है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसे हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेंगे, सेट कर लेंगे इसे थोड़ा सा हम। उसके बाद में जो है कंट्रोल डी कर लेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी छोटी पतली कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद में अगर हम इसकी लाइनिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप ब्लैक के अलावा कोई और कलर देना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। हालांकि मैंने ब्लैक रखना था तो मैंने ब्लैक ही किया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम कंट्रोल डी कर लेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद एरो की के माध्यम से इसे हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर से कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करते जाएंगे, जितनी बार हम कंट्रोल डी करेंगे ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से हम सैप्स में जाएंगे, एक लाइन की ऑप्शंस मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। हमें इस पॉइंट पे पकड़ के इस पॉइंट तक ड्रैग करना है। अगर आप इस लाइनिंग को मोटी पतली करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैंने एरो की के माध्यम से इसे थोड़ा सा ऊपर ले लिया है और सैप्स आउट लाइन में जाके इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है वो मैंने डार्क कर ली है। उसके बाद में ये जो सबसे ऊपर मैंने लिया था, इस लाइनिंग पे क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। और उसके बाद में इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद में हमें डेट वाला जो सिंबल बनाना था, हम यही सैप्स से ले लेंगे। यहाँ तो फॉर्मेट टैब जैसे ही हाईलाइट होगा उसमें से यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शंस ले सकते हैं। मैंने ये वाला यूज़ किया, आप कुछ जैसा भी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किए हैं। उसके बाद में आप थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में इंसर्ट में जाएंगे, या फिर इसी में जो है राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन देगा। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे पेज नंबर, एंटर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे टाइप कर देंगे हम डेट, और यहाँ पे हम डॉट डॉट टाइप कर देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट कीजिएगा, होम टैब में यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। हालांकि अगर ये ब्लैक है तो ज़्यादा बेटर लगेगा, थोड़ा सा आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी फॉन्ट्स को चेंज कर लेंगे तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बनके रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।